हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक इन चैप्टर ऑफ इंग्लिश कॉल्ड ड्रीम तो फ्रेंड्स आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक मिल्क मैन की ड्रीम के बारे में आपके घर में भी फ्रेंड्स कोई ना कोई मिल्क मैन मिल्क लेकर जरूर आता होगा तो आज ऐसे ही एक मिल्क मैन के सपनों के बारे में हम एक बहुत ही ब्यूटिफुल सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं बट बिफोर स्टार्टिंग विदोरी वी आर गोइंग टू डू अटल बिट ऑफ वार्म अप लुक है यहां पर आपको एक, एक पिक्चर दिखाई दे रही है ये पिक्चर है एक फार्म हाउस की और फार्म हाउस में क्या होते हैं फार्म हाउस में फार्म एनिमल्स होते हैं और ये फार्म एनिमल्स हमारे कुछ ना कुछ काम आते हैं जैसे कि खाओ से हमें पता है कि हमें मिल्क मिलता है हैं से हमें पता है कि हमें एग्स मिलते हैं और भी ये जितने फार्म एनिमल्स हैं फ्रेंड्स हमारे यूजफुल हैं राइट तो आज आपको यहाँ पर इस वार्म पर इन फार्म एनिमल्स के नाम और इनके बेबीज के नाम भी लिखने हैं राइट आपको दिख रहा है ना कि इधर देखिए ये जैसे हॉर्स है तो हॉर्स के बेबी को क्या कहते हैं गोट है तो गोट के बेबी को क्या कहते हैं ये सब आपको यहाँ लिखना है

काओ का या बफेलो का दूध निकालते हैं और फिर उसको वो बेचने के लिए जाते हैं सो वंस अपॉन अ टाइम अ मिल्क मैन वॉज लिविंग विद हिज वाइफ इन अ विलेज तो एक बारी की बात है एक मिल्क मैन अपनी वाइफ के साथ एक विलेज में यानी गांव में रहता था ही हैड अ फार्म इन विच वर फ्यू काउस उसके पास एक फार्म था जहां पर कुछ काउस थी तो देखिए जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये मिल्कमैन है ये काउ का मिल्क निकाल रहा है और ये इसकी वाइफ है एवरी मॉर्निंग द काउज मिल्क एंड इट इन नियर बाय विलेज हर सुबह उसकी वाइफ या वो मिल्क मैन काउ को मिल्क करते थे यानी कि काउ का मिल्क निकालते थे और फिर वो मिल्क मैन उस काउ उस काउ का मिल्क लेकर जाता था पास के एक विलेज में बेचने के लिए इन ड्रीम तो इस तरह से फ्रेंड्स वो पैसे कमा रहा था अर्निंग का मतलब है कि वो पैसे कमा रहा था जीने के लिए लाइवलीहुड यानी कि भाई जो उसका एकमात्र जो तरीका था उसका जीने का सरवाइव करने के लिए वो यही था इससे वो पैसे कमा रहा था और उसमें से कुछ वो अपनी ड्रीम के लिए भी सेव कर रहा था उसकी क्या ड्रीम थी क्या सपना था लेट्स फाइंड आउट मिल्क मैन ड्रीम वॉज टू गैदर इनफ मनी एंड डू द फार्मिंग ऑफ मैंगोज तो मिल्क मैन चाहता था कि वो इतनी मनी इकट्ठी कर ले इतना पैसा इकट्ठा कर पाए कि जिससे वो मैंगोज की फार्मिंग कर पाए बट ही कुडंट डू इट एज ही डिडेंट मनी पर वो ये नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो मैंगोज की फार्मिंग के लिए जो पैसा पैसा उसको चाहिए था था। इतना पैसा उसके पास नहीं एंड सेव मनी टू प्लांट मैंगो ट्रीज तो उसने प्लान किया कि वो रोज ऐसे ही मिल्क यानी दूध बेचता रहेगा और कुछ पैसे बचा लेगा जिससे कि वो मैंगो ट्रीज को प्लांट कर पाए One night the milkman was counting the saved money and told his wife about his dream. तो so, एक रात को मिल्कमैन अपने जो उसने पैसे सेव करे हुए थे उन्हें काउंट कर रहा था और उसने अपनी वाइफ को अपने इस सपने के बारे में बताया She supported him and told him to keep working towards his dream. उसने उसको सपोर्ट करा और कहा कि तुम ये ऐसे जो अपनी ड्रीम को अचीव करने के लिए जो पैसे सेव कर रहे हो उस पर काम ऐसे ही करते रहो तो यानी जो उसकी वाइफ थी थी वो बहुत सपोर्टिव उसको मिल्क मैन का सपना अच्छा लगा उसको समझ में आया कि भाई वो कैसे अपनी मैंगो की फार्मिंग करना चाहता है तो उसने उसको इस चीज के लिए सपोर्ट किया द नेक्स्ट मॉर्निंग टुक द cans एंड पुट देम ऑन his bicycle. अब अगली सुबह जैसे वो दूध निकालते थे दोनों मिलकर वैसे ही दूध निकाले और मैन अपने मिल्क कैंस जिसमें वो दूध रखता है जैसे कि आपको यहां दिख रहे हैं ये मिल्क कैंस अपनी साइकिल पर रखकर चल पड़ा ही स्टार्टेड साइकिलिंग टू द विलेज टू सेल द मिल्क वो कहाँ पे चल जाने लगा जहाँ पे वो गाँव में विलेज में मिल्क बेचने जाता था जिस पास के गाँव में वहां वो साइकिल पर बैठ जाने लगा The the milkman was very happy as the cows had given more milk than usual on that day. उस दिन मिल्कमैन काफी खुश था क्यों खुश था वो क्योंकि जो उसकी काउस थी गायें थी उन्होंने आ, से मिल्क दिया था उस दिन भाई वो जो रोज जितना मिल्क देती होंगी उससे उन्होंने ज्यादा मिल्क दिया तो इसलिए वो खुश था क्योंकि उसको पता था कि उसे ज्यादा मिल्क को बेचकर उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे दस ही वॉज श्योर ऑफ गेटिंग मोर मनी बाज तो मेरे को और ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिल गया क्योंकि मेरी काउस ने ज्यादा मिल्क दिया है आज ऑन हिज वे टू द विलेज द मिल्क मैन स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट वॉट ऑल ही कु डू वेन ही वुड गेट दैट मनी अब जब रास्ते में फ्रेंस वो जा रहा था तो मिल्क मैन ने सोचना शुरू कर दिया सपने देखने शुरू कर दिए कि जब उसको वो पैसे ज्यादा जो आज भी ज्यादा पैसे मिलने वाले थे उसको तो उसने सोचा कि भाई ज्यादा पैसे सेव हो जाएंगे मेरे तो जब वो पैसों का वो क्या करेगा वॉट ऑल ही वो क्या क्या कर सकता है उन पैसों से ही स्टार्टेड प्लानिंग इन हिज माइंड टू गो टू city, बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो सीड्स एंड प्लांट द सीड्स इन हिज फार्म तो उसने अपने माइंड में प्लानिंग करनी शुरू कर दी क्या प्लानिंग करी कि वो सिटी में जाएगा वहां से बेस्ट क्वालिटी मैंगो सीड्स यानी मैंगो ग्रो करने के लिए जो बीज चाहिए वो बेस्ट क्वालिटी के मैंगो सीड्स खरीदेगा और उन्हें फिर प्लांट करेगा अपने फार्म में देखिए यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिखाई गई है ये अपने बाइसाइकिल पर जा रहा है दूध बेचने के लिए मिल्क कैंस रखकर और साथ ही साथ वो ऐसे सपने देखना उसने शुरू कर दिए कि वो जो आज ज्यादा पैसे मिलेंगे फिर उसके पास बहुत सारी मनी हो जाएगी तो उन पैसों से क्या करने वाला है फार्म फुल ऑफ मैंगो ट्रीज लोडेड विद mangoes. वाओ wow, उसने आगे भी और भी इमेजिन कर लिया कि जब वो प्लांट कर देगा उन सीड्स को अपने फार्म में तो फिर वो उसके फार्म में पूरे के पूरे मैंगो ट्रीज भर जाएंगे और वो मैंगो ट्रीज भरे होंगे किससे मैंगो सेल and यूज दैट मनी टू बिल्ड अप बिगर हाउस और आगे और इमेजिन करा उसने कि वो मैंगोस को बेच देगा बहुत अच्छे प्राइस पे उन मैंगोस को बेचेगा और फिर उस मनी को वो यूज करेगा एक बड़ा सा घर बनाने के लिए भाई बहुत सारे इसने सपने देख डाले अभी तो इसके हाथ में पैसे आए भी नहीं है उससे पहले ही इसने सारी प्लानिंग सारे सपने देख डाले हैं गुड थिंग्स ही वुड बाय विद दैट मनी तो वो ऐसे ही सोचता रहा कि और क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें वो खरीदेगा उन पैसों से एट द सेम टाइम ही forgot that दैट ही taking टेकिंग द मिल्क टू द विलेज ऑन bicycle. और उस टाइम वो भूल गया कि वो अपने बाइसिकल पर दूध लेकर जा रहा है बेचने के लिए While he was doing all the imagination, his bicycle fell into a pothole. Uh जब वो ये सब इमेजिन कर रहा था अपने सपनों में खोया हुआ था तो उसकी जो बाइसिकल थी वो गिर गई किसमें एक पॉट होल में पॉट होल किसको कहते हैं फ्रेंड्स? हाँ जो सड़क में जो गड्ढे होते हैं उनको हम कहते हैं पॉट होल तो ये जो पॉट होल्स होते हैं ये यूजली काफी बड़े होते हैं तो क्योंकि वो भाई अपने सपनों में डूबा हुआ था तो उसने सड़क पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी साइकिल किसी गड्ढे की तरफ जा रही है और वो वहां उस गिर गया द मिल्क ही वॉज कैरिंग फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड गॉट वेस्टेड और अब वो जो सारा दूध लेके जा रहा था ऑब्वियसली वो भी गिर जाएगा सारा ग्राउंड पर गिर गया और वो सब वेस्ट हो गया देखिए यहां पर देखिए आपको इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि कैसे वो एक आ, उसमें गड्ढे में गिर गई उसकी साइकिल और वो सारा दूध वहां स्पिल हो गया वो खुद भी गिर गया मिल्क मैन वॉज वेरी डिस्ट्रेस्ड तो डिस्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है friends? Distressed मतलब कि वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया वो उसमें बहुत ज्यादा दुख भर गया कि भाई ये मेरे से क्या हो गया ही हैड लॉस्ट नॉट ओनली मिल्क बट ऑल्सो हिज ड्रीम ऑफ प्लांटिंग मैंगो ट्रीज एंड हिज इमेजिन फॉर्च्यून उसने सिर्फ दूध ही नहीं खोया था उसने अपने सपने भी खो दिए थे जो सपना था उसका कि भाई वो मैंगो ट्रीज प्लांट करेगा और जो जो अभी तक उसने सारा इमेजिन करा था फॉर्च्यून वो सब खो दिया था तो फॉर्च्यून का क्या मतलब है फ्रेंड्स फॉर्च्यून का मतलब है जो अभी इसने सोचा था ना कि भाई वो बड़ा घर खरीदेगा वो ज्यादा पैसे होंगे वो बड़ा घर खरीदेगा तो जो हमारे जो ज्यादा पैसे और जो ज्यादा ऐसे बड़े घर प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम कहते हैं फॉर्च्यून तो उसने जो अपना फॉर्च्यून जो सोचा था वो सब उसका लॉस्ट हो गया दूध जैसे गिरा वैसे ही ये सब भी खत्म हो गया He sat there feeling disheartened and regretful, और वो वहां वहीं पर बैठा रह गया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिसहार्टेंड फील कर रहा था यानी कि वो बहुत ज्यादा उसके दुख से वो उसका दिल टूट गया था और वो रिग्रेटफुल भी फील कर रहा था यानी उसको दुख भी हो रहा था वो अपने आप पर उसको सॉरी भी फील हो रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया तो वो वहीं बैठा रह गया फीलिंग डिसहार्टन एंड रिग्रेटफुल तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जैसे ये पिक्चर दिखाई दे रही है ये जो मिल्क कैन था उसमें से ये दूध स्पिल हो गया तो जब ये दूध गिरा तो सिर्फ दूध ही नहीं उस स्पिल हुआ उसके जो सारे सपने थे वो भी बिखर गए वो जितनी डे ड्रीमिंग कर रहा था दिन में वो इतने सपने देख रहा था कि मैं इससे आज ये दूध बेचकर जो ज्यादा दूध मेरी कागज ने दिया है उसे बेचकर मेरे को जब पैसे मिलेंगे और जो मैंने मनी सेव करी हुई है उस सब से मैं क्या कर लूंगा मैं सिटी जाकर पहले तो अच्छी वाली बेस्ट क्वालिटी की मैंगो सीड्स खरीदूंगा फिर उनको प्लांट करूंगा तो बहुत सारे मेरे मैंगो ट्रीज भर जाएंगे मेरे फार्म में फिर उनको मैंगोस को बेचकर मैं एक बहुत बड़ा घर बना लूंगा तो ये जितने भी सपने थे जैसे ही दूध गिरा वो सारे सपने भी उसके बिखर गए तो इस स्टोरी से फ्रेंड्स हमें एक मॉरल मिलता है एक सीख मिलती है सो लेट्स रीड द मॉरल ऑफ द स्टोरी डू नॉट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर तो इस लाइन का मतलब है फ्रेंड्स कि अंडे में से जब तक बच्चे आए बाहर आए ही नहीं है उनको पहले से काउंट मत करो इसका एक्चुअल मीनिंग है दिस मीन्स इट इज अनवाइज टू मेक प्लान बेस्ड ऑन समथिंग दैट है इट इज इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड नॉट गेट लॉस्ट इन डे डिंग इस लाइन का मतलब है कि सही नहीं है कि अगर कोई चीज हुई नहीं है उसके बेसिस पर हम पहले से ही प्लान बनाने लग जाए इम्पोर्टेंट है कि आप प्रेजेंट में आज पर फोकस करिए आप जो काम अभी कर रहे हैं उस पर फोकस करिए और डे ड्विमिंग में मत खो जाइए तो फ्रेंड्स स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए रादर देन कि उस काम के फिनिश होने से पहले हम उसके बेसिस पर आगे के बहुत ज्यादा प्लान बनाने लग जाए तो वो गलत है आप यू नीड टू फोकस ऑन प्रेजेंट एंड डू नॉट गेट लॉस्ट इन डे ड्रीमिंग अदरवाइज रिजल्ट हमने देख लिया है इधर जैसे कि इस मिल्क मैन का हुआ वो इतना ज्यादा खो चुका था डे ड्रीमिंग में अभी जो वो दूध बेचने जा रहा था उस पर उसका ध्यान नहीं था वो देखकर नहीं चलाई उसने साइकिल रास्ते में उसको पोर्ट होल्स थे गड्ढे थे उस पर ध्यान नहीं गया वो इतना ज्यादा डे ड्रीमिंग में लॉस्ट हो गया कि उसके सारे सपने बिखर गए सो दिस वॉज द मॉरल ऑफ स्टोरी तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर द मिल्क मैं ड्रीम मुझे तो इस चैप्टर को पढ़कर बहुत मजा आया इफ यू ऑल्सो एंजॉइड द वीडियो देन डू लाइक इट Thanks for watching see you in the next video bye bye